नारा किसी को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। जब कोई संगठन अपना ध्येय वाक्य चुनता है तो क्या किसी के जेहन में ये ख्याल आता है कि इसके अनुशासित कार्यकर्ता, इसके स्वयं सेवक इसके एक शब्द को पकड़कर संगठन के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। जिस 2019 के जुलाई और अगस्त के महीने में मैं ये सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब की संगठन के लिहाज से, सत्तारूढ़ दल के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से दो ही बड़ी सुर्खियां हैं। पहली, संगठन से शुरुआत करने वाले जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के कार्यकारी ही सही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और दूसरी खबर, संगठन से छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बन गए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, आप ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्से सुन रहे हैं और इस किस्से में बात होगी कांग्रेस सिंह की, जो अब भाजपा के यूपी अध्यक्ष है। और किससे की शुरुआत होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नारे से, फिर ये चंबल और बेतवा के बीहड़ों तक जाएगी, एक सिपाही की बंदूक से गोली चलेगी, एक बागी पर्चा भरेगा, एक लड़का पत्रकार बनेगा, फिर झांसी चला जाएगा वतन से दूर, और जो लौट कर आएगा तो और भी ताकतवर होकर आएगा, फिर एक रोज वो अपने आप को एक कोऑपरेटिव समिति के चेयरमैन की कुर्सी पर पाएगा, और आएगी खबर कि लखनऊ में जो असल में मार्गदर्शक मंडल है उसका मुखिया बदल गया है, और बदले मुखिया के जमाने में उसके मुखिया बनने का वक्त आएगा। वक्त आएगा कि जब यूपी भवन में तमाम बड़े नेता अलग अलग सर्वे के जरिए अपनी मुख्यमंत्री होने की संभावनाएं टटोल रहे थे, तब वो टटोल रहा था कि मैदान में गड़ी बल्ली कितनी मजबूत है, क्या ये मेरे नेता और उसके समर्थकों का भार सह पाएगी। पर अब उसी नेता ने उत्तर प्रदेश में शीर्ष के आशीर्वाद से बल्ली गाड़ दी है, और समर्थक तो अभी से कहने लगे हैं ये मुख्यमंत्री पद का अगला दावेदार है। और वो क्या कहते हैं, यही कि जिसकी दावेदारी पर बात होती है उसकी दावेदारी खत्म हो जाती है, परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से ये कि मैं तो संगठन का सिपाही हूँ। इसके तो मीम बनने चाहिए, टी शर्ट्स पर लिख दे जाना चाहिए, अदना सा कार्यकर्ता हूँ जो आला कमान कहेगा मानूंगा। पर फिलहाल तो आप मेरा किस्सा सुनिए, तो उसमें जो भी मानना है मान लीजिए। किस्सा जिसकी शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आएगा, ज्ञान शील एकता परिषद की विशेषता। इसके दो ध्रुव हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले, मधुर वाणी बोलने वाले, जिनको देखकर आपको लगेगा कि नारा सार्थक है। फिर इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे तले आपको वो गुंडा एलिमेंट भी नजर आएंगे जो कभी किसी प्रोफेसर के मुंह पर काले पोतेंगे और कभी उग्र कार्रवाइयां करेंगे, और आपको लगेगा कि नारा झूठा है। पर आज कहानी ज्ञानशील एकता का नारा देने वाले विद्यार्थी परिषद की नहीं, इसके एक कार्यकर्ता की है। लेकिन शुरुआत आपको उस कार्यकर्ता के बड़े भाई से करनी पड़ेगी। चुनार के जंगल, जिनका रोमानी वर्णन किया है देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति में, रुतबा ऐसा कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए सैकड़ों लोगों ने हिंदी सीख ली, जलवा ऐसा कि जिस प्रेस में चंद्रकांता संतति छपता था उसके बाहर कतार लगती थी। इसी मिर्जापुर में एक नौजवान भर्ती होता है उत्तर प्रदेश की पुलिस में, उसका निशाना खासा अच्छा था निशाना, और उसका नाम था श्रीपत सिंह। लेकिन मिर्जापुर में उन दिनों पोलसिंग की शायद उतनी जरूरत नहीं थी, या कह लें कि रूटीन ट्रांसफर हुआ था, और श्रीपद को पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर भेज दिया गया था बीहड़ के इलाके में, जमुना चंबल और बेतवा के इलाके में। जिले का नाम था उरई जालौन और कोतवाली का नाम था कालपी। इसी कालपी कोतवाली के तहत गुड़ा का पुरवा गांव आता है जहां की फूलन देवी थी। इसी कालपी कोतवाली के तहत यमुना की वो पूरी पट्टी आती है जहां कहीं तो गुजरों के गांव हैं, कहीं राजपूतों के तो कहीं मल्लाहों के, और जहां हैं
बहुत सारे गैंग। जब मैं ये हैं बोल रहा हूँ तब कैलेंडर में 80 का दशक चल रहा था और चल रहा था खौफ, कहीं मुस्तकीम का, कहीं मानसिंह का, कहीं विक्रम मल्लाह का, कहीं फूलन देवी का, कहीं लाला राम श्रीराम का और कहीं फक्कड़ का। श्रीपद सिंह यहाँ पर आते हैं, तैनाती पाते हैं, कई सजातीय बंधु भी मिलते हैं और मिलती है पुलिस वालों की शाबाशी, क्योंकि श्रीपद सिंह का निशाना बहुत सटीक था। पर ऐसा नहीं है कि श्रीपद सिंह को सिर्फ 303 का घोड़ा चढ़ाना ही आता था। उन्हें पता था कि निशाना अगर शिक्षा में सही लग गया तो पूरी की पूरी पीढ़ी संवर सकती है, और इसीलिए श्रीपद अपने छोटे भाई कांग्रेस को मिर्जापुर के गांव से कालपी ले आए और फिर उसका दाखिला करवा दिया उरई में, जनपद मुख्यालय में। कांग्रेस की पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, अपनी उम्र की तरह खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी थी। स्पोर्ट्स, एथलीट, ये सारे नवाचारी से सुनने वाले अंग्रेजी शब्द अगर इस्तेमाल करूं तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी थी। इन सब के बीच कांग्रेस दाखिला लेते हैं उरई जालौन के सबसे प्रतिष्ठित उस जमाने के कॉलेज में, जिसका नाम था दयानंद वैदिक कॉलेज, DVC। और यहाँ पर उनको चस्का लगता है, नई राह दिखती है संघ की। कैसे दिखती है? खेलकूद में तो तबीयत थी ही, एक दफा अपने एक साथी के कहने पर संघ के कार्यक्रम में चले गए। बताया ये गया कि वहां पर भी खेलना ही होता है, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि बौद्धिक है। बौद्धिक शब्द संघ से परिचित लोगों के लिए अजनबी नहीं है। जब संघ को का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी आता है और देश दुनिया के किसी मसले पर स्वयं सेवकों को ज्ञान देता है तो उसे बौद्धिक कहते हैं। बौद्धिक चल रहा था, बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। कांग्रेस को ये बातें जम गई, वो लगातार संघ में जाने लगे और फिर संघ के विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए। साल आया 1986-87 का। कांग्रेस सिंह को लगा कि अब बतौर छात्र नेता उनको पुरस्कार मिलने का वक्त आ गया है। ये वो जमाना था जब छात्र संघ के चुनाव सियासत की मुकम्मल नर्सरी हुआ करते थे और छात्र संघ के चुनाव ऐसे लड़े जाते थे गोया विधायकी और सांसदी हो, और अध्यक्ष का वो रुतबा होता था मानो तैसा हो गया हो कि 5-10 बरस बाद इन्हीं को माननीय विधायक या सांसद बनना है। डीवी कॉलेज का बुंदेलखंड की राजनीति में ऐसा ही इतिहास रहा है। यहाँ से पढ़े, यहाँ छात्र संघ का चुनाव जीते, कई नेता सियासत में काफी आगे गए, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने। लेकिन उस बरस कुछ भी बनना कांग्रेस सिंह की किस्मत में नहीं था। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष के लिए टिकट मांगा, आश्वासन मिला, टिकट नहीं मिला। टिकट मिला एक दूसरे छात्र नेता को जिनका नाम था दीपक अग्निहोत्री। डीवी कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में मतगणना शुरू हुई, डब्बे खुले तो नतीजा आया, ना बागी जीता ना विद्यार्थी परिषद जीती, जीते तो कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से संबद्ध अजय पाल। ये कांग्रेस सिंह की पहली चुनावी हार थी। एक हार और इनके हिस्से में आनी थी उनके CV को खराब करने के लिए, लेकिन उसका ब्यौरा आगे के पड़ाव में। फिलहाल तो ब्यौरा ये है कि कांग्रेस सिंह को समझ में आया कि संघ में रहकर ही तरक्की की जा सकती है और उसके लिए मूल मंत्र है अनुशासन। कुछ बुजुर्गों ने, कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने दखल दिया और विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद स्वतंत्र देव की संघ में वापसी हो गई। वैसे भी संघ का ढांचा इतना औपचारिक नहीं कि कागज पर किसी को बाहर किया जाए या भीतर लाया जाए। 90 के दशक की शुरुआत थी, हवाओं में नारा गूंज रहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इन मुट्ठियों को मजबूत करने के लिए संघ के एक संगठन विश्व हिंदू परिषद ने एक और संगठन को गढ़ा था जिसका नाम रखा गया था बजरंग दल। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, धर्म संसद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इन सब का राजनीतिक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, ये सब शब्द सुर्खियों का हिस्सा बनने लगे थे। ये वो दौर था जब बड़ी पूंजी के दम पर सिर्फ कुछ अखबार मैदान में नहीं बचे थे, तब जिला स्तर के अखबार भी हुआ करते थे और प्रदेश स्तर के भी। ऐसा ही एक अखबार था स्वतंत्र भारत,
और स्वतंत्र भारत के अब यानी कि 1990 की शुरुआत में संवाददाता बन गए थे कांग्रेस सिंह, जिनका डीवी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और जिन्हें जीविकोपार्जन के लिए यही दुरुस्त लगा कि पत्रकार बना जाए और सारे सामाजिक संबंधों को और दायित्वों को भी बचाए रखा जाए। भारत अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते हुए कांग्रेस सिंह को समझ में आया कि ये वो जमीन तो नहीं जिसकी असल में पाँव और अरमानों को तलाश थी, और तब उन्होंने तय किया कि संघ के लिए पूरी तरह से काम करना है। एक बार फिर संघ की शब्दावली में कहूं तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनना है, प्रचारक बनना है। 1990 का बरस था, अब कांग्रेस सिंह को तैनाती मिल गई थी संघ की तरफ से झांसी में विद्यार्थी परिषद का संगठन संभालने की, प्रचारक की जिम्मेदारी। एक और चीज थी जो बदली थी, वो था कांग्रेस सिंह का नाम। संघ से जुड़ा व्यक्ति, नाम कांग्रेस हो तो कैसे जमेगा। उन दिनों उमा भारती खूब दिलचस्पी लेती थी विद्यार्थी परिषद में और युवाओं में, गोविंदाचार्य भी, तमाम दूसरे बड़े नेता भी, मसलन ग्वालियर की पूर्व रियासत ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया, इन सब के सुझाव पर कांग्रेस सिंह का नया नामकरण होता है और नाम रखा जाता है स्वतंत्र देव सिंह। अब आज भी उरई जाएंगे और वहां के पुराने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संघ के लोगों से मिलेंगे, तो उनके मुंह से कांग्रेस सिंह ही निकलेगा। कांग्रेस सिंह, कांग्रेस भाई साहब, सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन उस जमीन के लिए नहीं जिन्होंने शुरुआती परिचय इसी नाम से पाया। स्वतंत्र देव सिंह की कहानी अब आगे बढ़ती है। जल्द ही उनका पुराना पत्रकारिता वाला अनुभव उनके काम आता है। विनय कटियार, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उरई जालौन पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले स्थानीय स्तर पर बलवा हो जाता है, स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। ये 80 के उत्तरार्ध और 90 की शुरुआत का दौर था, जहाँ पे हर शहर में इस तरीके के सांप्रदायिक टापू बन रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, नारे गढ़े जा रहे थे। उरई की ही बात करूँ तो यहाँ पर नारा दिया गया था, देखते हैं कौन जीतेगा, अली या बली। नारा उभरा 1988 में, जब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वकील साहब अकबर अली को टिकट दिया गया नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए कांशीराम के खास से पैसालार, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया बाबूराम गुप्ता को। बाबूराम गुप्ता बोलूंगा तो स्थानीय लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबूराम के साथ उनकी पढ़ाई की डिग्री लगी थी जो उनकी पहचान का हिस्सा थी, सब उन्हें बाबूराम एमकॉम बोलते थे, और जब उन्होंने कुछ बुजुर्गियत हासिल कर ली तो बाबूराम दादा। तो ये बाबूराम एमकॉम और अकबर अली के बीच की लड़ाई थी, बजरंगियों की पार्टी और अकबर अली के बीच लड़ाई थी, और इसीलिए नारा दिया गया अली और बली की लड़ाई का। लड़ाई का पहला राउंड बाबूराम के हक में रहा जब वो नगर पालिका की अध्यक्षी जीते 1988 में, अगला राउंड अकबर अली के हक में रहा जब वो 1989 में विधायकी जीते, फिर राउंड बाबूराम के पक्ष में 1991 में जब वो अकबर अली को हरा कर विधायक बने, और 1993 में अकबर अली के हक में जब वो बाबूराम को हरा कर विधायक बने और दोनों ही लोग मंत्री बने थे। ये कहानी फिर कभी, फिलहाल तो कहानी विनय कटियार के उरई जालौन के दौरे की है, दौरा जिसके चलते आशंकाएं तेज हो गई थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, और इसीलिए विनय कटियार को जिला प्रशासन ने पत्रकारों से बात करने के लिए मना कर दिया था। जब इसकी खबर झांसी में बैठे स्वतंत्र देव सिंह को लगती है तो वो एक तोड़ लगा निकालते हैं। तोड़ ये कि शायद ये प्रतिबंध शहर की सीमा में बोलने से लगा है, तो क्यों ना ऐसा हो कि विनय कटियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर की सीमा के ठीक बाहर कर दी जाए। वो उरई के अपने पुराने पत्रकार मित्रों को फोन करते हैं, उन दीपक अग्निहोत्री को भी फोन करते हैं जिनके खिलाफ कभी उन्होंने बागी होकर पर्चा भरा था और जो पत्रकार बन गए थे, और ये सब पत्रकार विनय कटियार के साथ उरई की सीमा से बाहर जालौन रोड पर एक जगह रुक जाते हैं। विनय कटियार अपनी शैली के मुताबिक विस्फोटक बयान देते हैं, और ये बयान क्या स्थानीय, क्या प्रदेशी और क्या देसी, सब अखबारों की अगले कई रोज तक सुर्खियां बनाते हैं। विनय कटियार को जिला मुख्यालय से 100-125 किलोमीटर दूर बैठे इस कार्यकर्ता की ये प्रबंध की क्षमता जम जाती है।
हालांकि स्वतंत्र देव के विरोधी कहते हैं कि बात सिर्फ क्षमताओं की नहीं थी, सजातीय होने की भी थी। पर इस तरह के आरोप सियासत में लगातार लगते रहते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, सब पर इस तरह के जुमले आयद किए जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह की तरक्की होती है, जल्द ही उन्हें मुख्य संगठन में लाया जाता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर वो उतने मजबूत नहीं हो पाते। पहचान संगठन के आदमी की रहती है, भागदौड़ करने वाले की रहती है। लेकिन ये सब बदलता है 1999 और 2000 के दौर में, जब भाजपा की सरकार में, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में, उन्हें पहला पुरस्कार मिलता है। संघ की पैरवी के दम पर उन्हें उरई की जालौन कोऑपरेटिव बैंक, जिसे स्थानीय भाषा में JDC बैंक कहा जाता है, उसका चेयरमैन बना दिया जाता है, स्थानीय स्तर की लाल बत्ती। लेकिन राजनीतिक अभ्युदय होता है 2001 में, जब लखनऊ में तैनाती होती है संगठन में संघ की तरफ से भेजे गए व्यक्ति की, जिनका नाम था नागेंद्र। संघ की शैली में कहूं तो नागेंद्र जी संगठन मंत्री बनकर आते हैं, और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा राजनीतिक प्रमोशन होता है। उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। स्वतंत्र देव सिंह का करियर आगे बढ़ता है, जल्द ही उन्हें विधान परिषद के जरिए विधायकी भी मिल जाती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा आयोजन होता है, जिसने उनके करियर को चमकाने में अहम रोल निभाया। साल 2002 था, जगह आगरा की थी, वो मौका था भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का। उन दिनों युवा मोर्चा को शिवराज सिंह चौहान संभालते थे। जी, अभी उनके मुख्यमंत्री बनने में, MP का मामा बनने में कुछ वक्त बाकी था। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह पर आती है, क्योंकि वो भारतीय जनता मोर्चा की UP इकाई के अध्यक्ष थे। इस आयोजन में लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं, इस आयोजन में अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, संघ के बड़े नेता आते हैं, और ऐसा झमाझम आयोजन समापन समारोह में लाखों की भीड़ देखकर गदगद होकर जाते हैं। और इसी आयोजन और ऐसे ही कई आयोजनों के दम पर नागेंद्र स्वतंत्र देव सिंह का नाम प्रस्तावित करते हैं विधान परिषद की खाली सीट के लिए। विधान परिषद का चुनाव बढ़िया है, क्योंकि विधायक को चुनेंगे। विधान परिषद का चुनाव बढ़िया है, क्योंकि 6 बरस के लिए होगा। विधान परिषद का चुनाव बढ़िया है, क्योंकि इसमें विधानसभा की तरह भंग होने का, यानी कार्यकाल के छोटे रह जाने का मलाल नहीं है। विधान परिषद का चुनाव गड़बड़ है, क्योंकि इसके सहारे विधानसभा के परिसर में या विधानमंडल के परिसर में पहुंचा व्यक्ति ये रौब गालिब नहीं कर सकता कि मैं जमीन का नेता हूं और हजारों लाखों का वोट पाकर आया हूं। पर स्वतंत्र देव सिंह को तो कभी ये गुरूर था भी नहीं, वो हमेशा से संगठन में ही पैबस्त रहने वाले व्यक्ति थे। सो वो पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, फिर विधायक बने, फिर मुख्य संगठन में आए और भारतीय जनता पार्टी की UP इकाई के प्रदेश महामंत्री बने, और फिर आया नितिन गडकरी का दौर, नितिन जयराम गडकरी, जो नई नई शैलियां लेकर आना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। कई प्रकोष्ठ बनाना, सर्वे की रवायत लाना, कि जिसमें अलग अलग एजेंसियां जाएंगी और जमीन पर जाकर वोटरों और कार्यकर्ताओं से पूछेंगी कि अमुक नेताजी को टिकट दिया जाए या नहीं, या पैनल में किसके नाम हो। इसी दौर में 2012 में आते हैं यूपी के विधानसभा चुनाव। लोगों को लगता है कि मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का नारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा फेल होने लगा है, नाराजगी है, और भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को कैश कराने का दावा करती है। संगठन की तरफ से निर्देश दिया जाता है सारे बड़े नेताओं को, या एक नेता के ही शब्द में कहूं तो सारे लखनऊ ब्रांड नेताओं को, कि जाइए अपनी अपनी विधानसभा चुनिए और चुनाव लड़िए। भाजपा का बुरा हाल होता है उस चुनाव में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही भी चुनाव हार जाते हैं, और हारते हैं कई पदाधिकारी। लेकिन कहानी तो स्वतंत्र देव की है, ना भाजपा की ना शाही की। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह को भी चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है उनके गृह जनपद उरई में, सीट का नाम कालपी विधानसभा, जहां क्या जनसंघ का जमाना, क्या राम मंदिर का जमाना, कभी भाजपा का विधायक नहीं जीता। कभी सोशलिस्ट जीतते थे, चौधरी शंकर सिंह जैसे कद्दावर नेता, कभी कांग्रेसी जीतते थे
और 1989 के बाद के दौर में तो जैसे ये बसपा का मजबूत गढ़ हो गया था। सिर्फ एक अपवाद आया था 2002 में, जब चिकित्सा प्रकोष्ठ के खाते से इकलौती सीट, इकलौता टिकट लेकर डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा आ गए थे और भाजपा के दम पर जीत गए थे, क्योंकि बसपा ने अपने स्थानीय विधायक को टिकट नहीं दिया था जो 3 दफा से जीत रहा था, और वो विधायक सपा के पाले में जाके चुनाव लड़ने लगा था। पर कहानी स्वतंत्र देव की है, जो 2012 में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचते हैं, और स्वतंत्र देव पहुंचते हैं तो सारे बड़े नेता पहुंचते हैं, क्या उमा भारती, क्या शिवराज सिंह चौहान, क्या राजनाथ, सब पहुंचते हैं, लेकिन नहीं पहुंचती है तो जनता स्वतंत्र देव के हक में वोट डालने के लिए। नेताजी की स्थिति बहुत खराब रहती है, जमानत जब्त हो जाती है, 15,000 के लगभग वोट मिलते हैं। लोगों को लगा कि इस बुरी हार के बाद स्वतंत्र देव का करियर थमसा जाएगा। लोग गलत थे, स्वतंत्र देव संगठन के व्यक्ति थे, जानते थे कि एक हार ज़्यादा पीछे नहीं धकेल पाएगी यदि अपने संबंधों को दुरुस्त रखा जाए और काम करते रहा जाए। ये स्वतंत्र देव की शैली थी, जिसमें वो शायद ही कभी घर पर टिकते हों, वो अक्सर दौरों पर रहते। वो ये दावा कर सकते थे कि मैं हर ज़िले की हर तहसील में 5 से 10 युवा कार्यकर्ताओं को नाम से बुला सकता हूँ, और यही शैली जम गई भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी और पार्टी के उस वक्त के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह को, जो गडकरी का दौर बीतने के बाद लखनऊ में डेरा डाल चुके थे और जिन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। मिशन की नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसके लिए ज़रूरी था यूपी के गंवाए किले को वापस हासिल करना। शुरुआत होती है अक्टूबर 2013 में एक रैली से। रैली के लिए मैदान चुना जाता है कानपुर के फूलबाग का, काफ़ी बड़ा मैदान। चुनौती मैदान को भरने की, चुनौती नरेंद्र मोदी का टेम्पो हाई करने की, और रैली की जिम्मेदारी दी जाती है स्वतंत्र देव सिंह को। और इसके बाद से तो जैसे अलिखित सा नियम हो गया कि नरेंद्र मोदी की रैली होगी तो उसे नरेंद्र मोदी के खास, अमित शाह के खास स्वतंत्र देव सिंह ही संभालेंगे। कभी मंच का संचालन, कभी व्यवस्था, फिर चाहे वो कैराना के उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, या उसके बाद लोकसभा के चुनाव। 2014 में भाजपा जीतती है, स्वतंत्र देव का कद बढ़ता है, अटकलें चलती हैं कि शायद अब उन्हें पुरस्कार मिले, अटकलें चलती हैं कि स्वतंत्र देव सिंह के पाले के कई लोगों को लोकसभा का टिकट मिला, कई सांसद उनकी हिमायत करने वाले हैं जो पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और अवध तक फैले हैं, तो हो सकता है कि अब सिंह साहब के सामने कोई नया पद लग जाए। पर फिलहाल उन्हें इंतज़ार करने को कहा जाता है, क्योंकि अभी एक बड़ा मोर्चा मारना बाकी था, विधानसभा चुनाव की जीत। 2017 के लिए फिर से टिकट वितरण होता है, फिर से सर्वे होते हैं, कई नाम गूंजते हैं, कहीं उमा भारती के बारे में पूछा जाता है, कहीं राजनाथ सिंह के बारे में, और कहने वाले तो कहते हैं कि राजनाथ सिंह से बुलाकर पूछा गया था कि क्या आप भाजपा का यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान नेतृत्व करेंगे, और अध्यक्ष जी ने इनकार कर दिया था। और उसके बाद से तमाम नए दावेदार आ गए थे, दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, वरुण गांधी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य। इन सब के बीच स्वतंत्र देव सिंह अलग अलग संगठन जिम्मेदारियां संभालते हुए काम करते रहे। 2017 के चुनाव आए, कई बड़े नेताओं को निर्देश दिया गया चुनाव लड़ने का। एक रोज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके करीबियों की माने तो स्वतंत्र देव ने भी पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है, और जवाब मिला कि आप संगठन पर ध्यान दीजिए, आपके लिए कुछ सोचा गया है। ये सुनने के बाद स्वतंत्र देव फिर चुनाव में लग गए, और उसके बाद जो नतीजे आए मार्च 2017 में, वो सबके सामने हैं। नतीजे आए तो फिर से दावेदारों के नाम उछलने लगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, स्वतंत्र देव का नाम घोषित हुआ बतौर मंत्री, राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार के, और महकमा मिला परिवहन का, प्रोटोकॉल का और ऊर्जा। ऊर्जा में करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा के काबीना मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, लेकिन परिवहन स्वतंत्र प्रभार था, और था प्रोटोकॉल, और था योगी आदित्यनाथ का साथ।
अगर आप 2017 का शुरुआती दौर देखेंगे तो जहाँ जहाँ तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे वहाँ वहाँ स्वतंत्र देव भी नजर आएंगे। लेकिन 2018 की तस्वीरों में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच अनबन हो गई। दरअसल कभी गुजरात के चुनाव में तो कभी कर्नाटक के चुनाव में अमित शाह स्वतंत्र देव की तैनाती करते रहे और स्वतंत्र देव उनको पता था कि आला कमान के दिए टारगेट को पूरा करना कितना ज़रूरी है। इसीलिए कभी वो महीनों कच्छ के ज़िले में पड़े रहे गुजरात की महज 6 सीटों को जीतने के लिए और गांव के गांव घूम डाले, ऐसे ऐसे गांव जहां भाजपा के विधायक भी नहीं पहुंचे थे, तो कभी कर्नाटक में रैलियों का इंतजाम देखते रहे। लोगों को लगा कि इसका देर सवेर इनाम मिलेगा। लेकिन एक दुविधा थी, सिंह साहब के करीबी बताते हैं कि दुविधा ये थी कि एक तरफ लाल बत्ती है, मंत्री का पद है, अरसे बाद मिली सत्ता है, उसकी हनक है, और दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद है जिसके साथ इस तरह का रुतबा नहीं। लेकिन फिर कई लोगों ने कहा कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बड़े पद का सीधा दावेदार होता है। ये सब बातें होती रहीं, उधर अमित शाह लोकसभा चुनाव के बीतने का इंतजार करते रहे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे किसी तरह जीते और मंत्री भी बन गए और एक बार फिर नए अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा होने लगी। चर्चा पर विराम लगा जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से कुछ पंक्तियों की प्रेस रिलीज की गई। उसमें इतना लिखा था, स्वतंत्र देव सिंह को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। स्वतंत्र देव सिंह को करीब से जानने वाले बताते हैं कि करप्शन को लेकर वो बहुत सतर्क रहते हैं, इसलिए बतौर मंत्री उन पर इल्ज़ाम नहीं लगे। छवि साफ है, आला कमान के करीबी हैं, मीडिया से दूर रहते हैं, विवादित बयान देने से बचते हैं। अब ये उनकी खूबी भी हो सकती है और आगे चलकर खामी भी। ये इस पर निर्भर करता है कि दिल्ली में डोर किन उंगलियों में बंधी है। फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह के सामने उपचुनाव की चुनौती है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं, तब तक उनका कार्यकाल रहेगा, और आनी है कई संभावनाएं और चुनौतियां। स्वतंत्र देव सिंह की इस कहानी के कई पड़ाव हैं, इसमें से अहम पड़ाव है नागेंद्र का संगठन मंत्री बनकर आना, इसमें अहम पड़ाव है राकेश जैन के संगठन मंत्री रहते हुए सुनील बंसल का सह संगठन मंत्री बनकर आना, इसमें अहम पड़ाव है अमित शाह का लखनऊ आना। वही अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और अभी भी कागजों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, भले ही कार्यकारी जेपी नड्डा के आगे लिखा हो। स्वतंत्र देव सिंह की कहानी के कई रूपक हैं, कई पहलू हैं जिन पर आपको बताने वाले मिल जाएंगे, पर एक बड़ी बात, मार्के की बात ये है जो दूसरे दल के लोग भी सीख सकते हैं, वो ये है कि कैसे संगठन में बिल्कुल बुनियाद से शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने संपर्क और अपने समीकरणों के दम पर शीर्ष तक पहुंच सकता है। अटकलें लगती हैं कि योगी सशंकित हैं, लेकिन इस तरह की अटकलें योगी के समर्थक कहते हैं कि तब भी लगती थी जब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। महत्वाकांक्षाओं का क्या है, कभी तिरपाई होती है, कभी इतने भीतर धर दी जाती हैं कि पहली परत उघाड़ने पर इल्हाम भी ना हो, और जो ऐसा करने में कामयाब होते हैं उन्हीं का सही समय पर राजतिलक होता है। आप देख रहे हैं डी ललन टॉप।